महाभारत के पात्र पांडव पुत्र भीम अत्यंत बलशाली थे। वह अपनी ताकत और शक्ति के लिए ही प्रसिद्ध थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने युद्ध कौशल और बाहुबल से अनेक योद्धाओं को परास्त किया था। हम सभी ने भी भीम के बलशाली होने के अनेकों किस्से सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीम को अपनी शक्तियों पर अभिमान होने लगा था? मान्यताओं के अनुसार महाभारत ग्रंथ में इस विषय पर एक तथ्य मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ था भीम को अपनी शक्तियों पर अभिमान, वह किसने तोड़ा था उस अभिमान को। एक बार द्वापर युग में वनवास के दौरान बद्रीनाथ क्षेत्र में हवा के तेज प्रभाव से टूटा हुआ ब्रह्म कमल का फूल नदी में जा गिरा। बहते हुए सुंदर फूल को देखकर द्रौपदी ने भीम से कहा कि आप महान वीर हैं, बलशाली हैं, मुझे गंधमादन पर्वत पर पाए जाने वाले एक विशेष कमल का पुष्प चाहिए, क्या आप मुझे वह पुष्प लाकर देंगे? भीम ने द्रौपदी का आग्रह मान लिया और गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। वह भी कुछ देर चले ही थे कि उन्हें मार्ग में एक वृद्ध वानर मिला। वह मार्ग में लेटा हुआ था और उसकी पूंछ भीम के रास्ते में आ रही थी। भीम जानते थे कि किसी भी प्राणी के ऊपर से रास्ता पार करना अशिष्टता होती है, इसलिए उन्होंने वानर से कहा, वानर, तुम्हारी पूंछ मेरे मार्ग में आ रही है, मुझे आगे जाना है, यहाँ रुकने से मुझे विलंब हो रहा है, इसलिए अपनी पूंछ को तुरंत मेरे मार्ग से हटा लो। पूंछ हटाने के लिए भीम ने जो शब्द इस्तेमाल किए उनमें विनम्रता के बजाय आदेश और अभिमान अधिक था, इसलिए उस वानर ने बोला, मैं बहुत वृद्ध और कमजोर हूँ, मैं हिल भी नहीं सकता, इसलिए तुम ही मेरी पूंछ को लांघ कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वह अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और बोले कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं कुंती पुत्र हूँ, पवन मेरे पिता हैं और बजरंग बली हनुमान का भाई हूँ, इसलिए मुझे अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब वानर ने कहा, भाई आप तो महान बलशाली लगते हैं, मैं तो वृद्ध और कमजोर वानर हूँ, अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हूँ, आप ही मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाइए, आपको विलंब भी नहीं होगा और मेरी पूंछ भी मार्ग से हट जाएगी। भीम सोचने लगे, विचित्र वानर है, अपनी पूंछ भी नहीं हटा सकता, परंतु मुझ में तो अपार शक्ति है और इस वानर ने मेरी शक्ति को ललकारा है, मैं अभी इसकी पूंछ को हटा देता हूँ। भीम ने अपनी गदा लेकर उसकी पूंछ हटाने में जुट गए। उन्होंने भरपूर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन पूंछ हटाना तो दूर, वह उसे हिला भी ना सके। उन्होंने और शक्ति लगाई, लेकिन पूंछ अपने स्थान से तिल भर भी ना हिली। जिस पूंछ को वे किसी साधारण वानर की पूंछ समझ रहे थे, उसके सामने भीम के पसीने छूट गए। आखिरकार भीम ने हार मान ही ली और बोले, आप कोई मामूली वानर नहीं हैं। अगर होते तो मेरा यह हाल नहीं होता। मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। वह वानर और कोई नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी थे। भीम द्वारा आग्रह करने पर हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए तथा भीम को अपना आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्हें अपने गले से लगाया। हनुमान जी ने भीम से कहा कि कभी भी जीवन में अपनी शक्तियों पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी से यह सीख लेकर भीम को अपनी त्रुटि का ज्ञान हुआ, लेकिन सहज रूप में भीम ने हनुमान जी से पूछा कि आखिर क्यों उन्होंने उनका रास्ता रोका। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। इसके बाद भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया
जिस पुष्प की तलाश में वह गए थे, और भीम वह पुष्प लेकर हनुमान जी को प्रणाम करके आगे चले गए। जिस स्थान पर पवन पुत्र हनुमान जी ने भीम का अभिमान तोड़ा था, आज वह स्थान हनुमान चट्टी के नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। यह मंदिर जोशी मठ और बद्रीनाथ मंदिर के बीच में स्थित है। हनुमान चट्टी गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। यह एक मंदिर है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। बद्रीनाथ आने वाले सभी दर्शनार्थी बद्रीनाथ मंदिर जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। हालांकि यह मंदिर बहुत छोटा जरूर है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है। यह एक ट्रैकिंग स्थल भी है जहां यात्री दूर दूर से आते हैं। वैसे तो हनुमान चट्टी के एक ही नाम से दो स्थान गढ़वाल में है। एक मंदिर यमुनोत्री धाम पर स्थित है, जबकि दूसरा मंदिर बद्रीनाथ धाम से थोड़ी दूर पहले ही स्थित है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें जरूर बताएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।